एक बार घृणित महंगा करार दिया गया। भारत और रूस फिर से एक साथ बैठने के लिए बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने मास्को की आगामी यात्रा के दौरान सुखोई सु-57 पर आधारित पांचवां जनरेशन लड़ाकू विमान एफजीएफए के प्रस्तावित संयुक्त विकास पर आगे बढ़ने का तरीका बताया। डंडा सीतारमन की रूस की यात्रा की मुख्य विशेषताएं एस-400 और इंटरसेप्टर आधारित मिसाइल प्रणाली की खरीद पर अंतिम अनुबंध मुहरा बंद रहेगी, लेकिन दोनों पक्षों के उच्च स्तर के अधिकारियों ने अपने दौरे के दौरान स्टॉल डे फजीएफए कार्यक्रम पर भी बात की थी। आइडरहोर्ग को परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट पेश की थी और रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस पर कॉल करने की संभावना है। 2007 में भारत और रूस ने एफजीएफए परियोजना के लिए एक अंतर सरकारी समझौता किया था। दिसंबर 2010 में भारत ने लड़ाकों के प्रारंभिक डिजाइन के लिए 295 मिलियन अमरीकी डॉलर 1.897 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई, जिसे भारत में परसपेक्टिव मल्टी रोल फाइटर के रूप में कहा जाता है। हालांकि बाद के वर्षों में वार्ता में विभिन्न बाधाएं सामने आई थीं। फरवरी 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मंजूरी के बाद भारत और रूस ने इस परियोजना पर वार्ता को पुनर्जीवित किया। इस बीच रूस ने दो सुखोई सु-57 को सीरिया में एक आधार के लिए नियुक्त किया है ताकि लड़ाई की स्थिति में परीक्षण किया जा सके। सु-57 सीरिया पर तैनाती पर मीडिया की अटकलें मुख्य रूप से पश्चिमी प्रौद्योगिकियों के खिलाफ इसका परीक्षण करने के लिए रूसी तरीके से देखा जाता है। भारतीय मीडिया में बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सु-57 सीरिया पर नियोजन भारत में कार्यक्रम आलोचकों को एयर ऑन ग्राउंड में वेस्टर्न रडार द्वारा भिड़ने वाली एक हवाई क्षेत्र में अपनी गुप्त क्षमता का प्रदर्शन करना है।